दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोतीराम पटेल जोधपुर से। दोस्तों आज का ये सब्जेक्ट है अपना 10 टिप्स टू बिल्ड योर बिजनेस। वो 10 टिप्स क्या है जिससे हम अपने बिजनेस को, अपनी टीम को अच्छी तरह से बिल्ड कर सके, एक बढ़िया स्टार्टअप कर सके। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहली जो बात है, सबसे पहली जो चीज है कि यहां पर जितने भी लोग हैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जब भी कोई व्यक्ति हर्बोजेनिक्स के अंदर में प्रोडक्ट परचेज करके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो यहां पर सबसे पहली जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है टेक डिसीजन विथ 100% कमिटमेंट। दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी है। आपने डिसीजन लिया लेकिन कितने परसेंट कमिटमेंट वाला डिसीजन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कई सारे लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन वो डिसीजन ही रह जाता है, वो अपना पहला स्टेप भी नहीं उठा सकते सक्सेसफुली। यस, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट जो है वो 50% है, 60% है, 70% है, काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं चलेगा। या तो डिसीजन लो मत किसी भी चीज का, अगर लेते हो डिसीजन तो 100% कमिटमेंट वाला डिसीजन होना चाहिए, 99 वाला डिसीजन भी नहीं चलने वाला है। ये सबसे पहले जरूरत होती है। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, आप अपने आप से में चेक कीजिए आपका डिसीजन कौन सा है, कितने परसेंट कमिटमेंट वाला है। अगर आपने ये काम कर दिया ना, बाकी काम इतने बेहतरीन तरह से होंगे। क्योंकि 100% कमिटमेंट, इसके अंदर अपने आप में पावर है। जब ये आप लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर में कई सारे ऐसे सेल्स एक्टिव होंगे, कई सारी ऐसी ताकत आपको मिलेगी। आपके अंदर जो फियर है, जो डर है, ये हुआ तो, वो हुआ तो, ऐसा हो गया तो, ये सब कुछ भाग जाएगा। और 100% कमिटमेंट से आपके अंदर में एक जबरदस्त विश्वास और एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर डेवलप होगा, इसकी जरूरत है। नेक्स्ट, इससे एक और चीज क्या होगी, इससे होगी अपने निर्णय में आप दृढ़ रहे। भले ही आपको ये जीत दिलाता है या असफलता दिलाता है, लेकिन ये आपको एक सबक सिखाएगा, ये आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, ये अपने आप में आपका जो भरोसा है वो और बढ़ाएगा, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर में ये तय करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सबसे पहली चीज है। आप चेक कीजिए अपने अपने टीम के अंदर में, और आप डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ उन्हीं लोगों को मानिए जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है 100% कमिटमेंट वाला। नेक्स्ट, अगली जो बात है, जो शुरुआत के अंदर में जब एक डिसीजन ले लेता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद क्या चाहिए? डिसीजन तो हो गया कि यस करना है, 100% कमिटेड हूं, 100% कमिटेड हूं इस काम को करने के लिए, लेकिन अब तैयारी क्या करनी है, क्या सीखना पड़ेगा? लर्न ऑल प्रोसेस योरसेल्फ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आपके नाम की आईडी लग चुकी है, अगर आपकी आईडी लग के आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो यहां पर आपको ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझिए। जब तक ये सब नहीं समझे आप पहला कदम भी ना उठाइए, मैं तो कहूंगा सिर्फ यूजर बने रहिए। जब तक ये सारी चीज, सबसे पहली चीज क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए अपने अपलाइन के द्वारा। ये ट्रेनिंग में, मीटिंग में आकर आप ये समझिए, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए क्या प्रोडक्ट है हमारा और क्या हमारा कंपनसेशन प्लान है। अगर आपको कोई डायरेक्ट कोई एक सवाल पूछे प्लान में से, तो आपको फट से आंसर आना चाहिए। इसको देखना, सुनना और समझना, ये तीनों चीजें अलग अलग है। इसलिए अच्छी तरह से प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज लीजिए आप। यस, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, आप प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज लीजिए। मेरे दोस्त, जब तक प्रोडक्ट और प्लान की नॉलेज आप नहीं लेंगे, यहां पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यस,
क्योंकि यहां जो कुछ भी होता है वो प्रोडक्ट से और प्लान से होता है। यहां पर दो तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हेल्थ बिल्ड करने के लिए आते हैं और कुछ लोग ऑलरेडी हेल्दी है लेकिन वो वेल्थ बिल्ड करने के लिए आते हैं। और इसके लिए ये दोनों चीजों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके अपलाइन के पास है इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके पास होनी चाहिए। आप ये इंफॉर्मेशन लीजिए और अपने साथ जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है उसे ये इंफॉर्मेशन शुरू के अंदर दीजिए। प्रोडक्ट के बारे में अगर सही बात थोड़ी बात कीजिए लेकिन सही बात कीजिए। प्लान के बारे में आप ऐसे 5 पॉइंट दे दीजिए, वो किसी भी कंपनी का कितने साल पुराना एक अच्छा नेटवर्कर है, ये 5 प्लान अगर आप उसको ठीक तरह से समझा दिए उस आदमी को रात को नींद नहीं आएगी, सब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ऐसे 5 यूनिक चीज यूएसपी हमारे हर्बोजेनिक्स के कंपनसेशन प्लान में है, क्योंकि ये वो 20 साल पहले का, 15 साल 10 साल 5 साल पहले का प्लान नहीं है मेरे दोस्त, ये प्लान 2021 का लेटेस्ट प्लान है। इसके अंदर में वो क्षमता है, लेकिन जब तक वो क्षमता आप समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, तब तक एक एक मजेदार काम नहीं होगा। यस, और आपका जो विश्वास है वो विश्वास बढ़ेगा नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, बैक ऑफिस का नॉलेज। हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आज बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको रीपर्चेस डेट, उनको केवाईसी अपडेट करना, उनको नए व्यक्ति को यहां पर रिक्रूट करने के लिए जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो, कंपनी के अंदर अगर कोई बात करनी हो तो सपोर्ट टिकट के बारे में उसको अनुभव होना चाहिए, उसकी टीम कैसे देखनी है, लेफ्ट और राइट में कहां पर कितना बिजनेस किस तरह से देना है, ये कंप्लीटली पूरी इंफॉर्मेशन आपको बैक ऑफिस की आपको लेनी है। आपका जो अपलाइन है, आपका अपलाइन वो है जो एक्टिव है, आपका अपलाइन वो है जो समय पर फोन अटेंड करता है, आपका अपलाइन वो है जो आपको इस बिजनेस में आने वाली अड़चनों में साथ और सहयोग देता है, जो रेगुलर अपने अपग्रेड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो है आपका अपलाइन। यस, बहुत सारे हो सकते हैं, अप्लाई होता है जो फोकस वे में अपनी पूरी टीम का ध्यान रखता हुआ आगे बढ़ता है, उसका एटीट्यूड अच्छा होता है। अगली तैयारी क्या करनी है नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट का प्रमोशन करने का स्किल उसको सीखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये बहुत ही जरूरी है। वो अभी हम लोग ये जूम के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये एक ऑनलाइन हमारा एक छोटा इवेंट है, एक छोटी वेबिनार है ना। जब ये लिंक आज सुबह आपको 10-11 बजे के आसपास जब मिला था, अगर आप चाहते तब से इसको सही तरह से इसका प्रमोशन करना, इसकी इंपोर्टेंस को अगर आप समझते और अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक एक सही मैसेज देते, आपको क्या लगता है आपकी टीम के कितने लोग आ सकते थे यहां पर? सो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन हमने एक प्रोग्राम किया यूपी में बुलंदशहर, और एक प्रोग्राम किया हमने बांदनवाड़ा अजमेर में। दोस्तों ये एक इवेंट आपको आपके आने वाले 6 महीनों को रिप्लेस कर सकता था, एक दिन अगले 6 महीने को रिप्लेस कैसे कर सकता था मालूम है? अगर आप वहां से एक पास लेते, 20 और 50 पास लेते और वो पास सेलेक्टेड लोगों को देते और एक वादा करके देते कि पास इंपोर्टेंट नहीं है, इस पास का चार्ज इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आप आ रहे हो तो ही पास लेना, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये कंपनी का मैनेजमेंट पहली बार राजस्थान के अंदर में आ रहा है, आप इस तरह से अगर इसका प्रमोशन करते ना तो आपकी टीम के 20-30 लोग उस इवेंट में बैठते, 20-30 लोग जो वहां आते और वहां उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, तो उनको वो भरोसा बिल्ड होता, उनके अंदर वो विश्वास आता है इस कंपनी प्रोडक्ट और हमारे ऊपर, जो विश्वास आप इंडिविजुअल काम करके 6 महीने फील्ड में हर महीने 10-15 हजार का पेट्रोल जलाने के बाद 6 महीने के अंदर में आपका कम से कम 50-60-70-80 हजार रुपए का खर्चा करने के बाद भी आप 10 लोगों में वो विश्वास पैदा नहीं कर सकते जो उस इवेंट में एक ही दिन में पैदा हो जाता
क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति को चाहिए होता है वो चाहिए होता है विश्वास, क्या मैं सही प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ, क्या मुझसे आज से पहले मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुए क्या ये प्लेटफॉर्म उससे अलग है। ये विश्वास 6 महीने में आप नहीं, यानी कि आपके 6 महीने बचने वाले थे और आपका 60-70 हजार का डीजल या पेट्रोल बचने वाला था मेरे दोस्त। ये एक दिन इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन कई लोगों को यह पता ही नहीं था, कई लोगों को। इसलिए कोई भी इवेंट आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप इस एक लाइन जो भी मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर आप इसको सही तरह से यूज कर लें हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स, दोस्तों आपका 4 महीने का काम, आपका 3 महीने का काम, आपका 6 महीने का काम उस एक दिन के अंदर हो सकता है। इसलिए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह बताओ प्रोडक्ट प्लान के बाद बैक ऑफिस का नॉलेज और ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो टूल है, जो इवेंट्स होता है, जो मना कर देता है आप उसको लटक जाते हो। नहीं, उसको क्यों लटक, उसको छोड़ दो ना, क्या आगे और नए लोग नहीं है? बहुत सारे लोग हैं दोस्त जो इसी प्रोग्राम में आना चाहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप आगे तो बढ़े, नेक्स्ट पे तो जाए, और इससे अगली चीज जो है वो क्या है, बिल्ड गुड रिलेशन विथ योर एक्टिव अप्लाई। उस नए व्यक्ति को पहले ही दिन सिखा दो, जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है उसे सिखा दो, उसे दिखा दो कि आपका एक्टिव अप्लाई कौन है। नहीं तो वो क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूज रहता है, वो देखता है कि ये भी मेरा अप्लाई, वो भी मेरा अप्लाई, अरे यार कितने अप्लाई है, क्या 40-50 अप्लाई है, मैं किस किस की सुनूं। वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए उसे पहले दिन ये सिखा दो, समझा दो कि आपका एक्टिव अप्लाई कौन है, और उसके साथ आपको एक गुड अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है। यस, डिस्ट्रीब्यूटर सुबह फोन करके अप्लाइन को फोन करना चाहिए कि मैं आज ये करना चाहता हूं, मुझे बताइए मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूं, मेरी ये प्लानिंग है, इस तरह से मैं करना चाहता हूं। अपने अप्लाइन को अगर वो ये बात बोलता है, अपने दिन भर की एक्शन प्लान अगर उसके साथ शेयर करता है, तो अगर उसके एक्शन प्लान में कहीं मिस्टेक्स है तो उसका अप्लाइन बोल सकता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, जिससे उस डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत सारा पैसा और टाइम बच सकता है। हम कई बार बोलते हैं, एक व्यक्ति का फोन आया, साहब पुणे जा रहा हूं, मत जाओ सर ऐसे नहीं होता काम। 10 व्यक्तियों के फोन आ गए, मत जाओ साहब पुणे, पुणे हम तब जाएंगे जब वहां से 5 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक्टिव करके प्रोडक्ट परचेज कर चुके हो। पहले उनको जूम पे लेके आओ, फोन में बात करो, हम 4 लोगों को जूम में समझा देंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, वो अपलाइन उन्हें बता सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए उसके साथ गुड रिलेशन रखो, और अपनी एक्शन प्लान जब तक आप अपलाइन को बताओगे ही नहीं तो उसे पता कैसे लगेगा, उसके आपके ऊपर उसका फोकस और ध्यान कैसे आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी, आप जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल पर जाएं, तो आप ऐसा कुछ कारनामा कीजिए कि आपके अपलाइन के पास में 100 लोगों की टीम है, आपके अपलाइन के पास में 200 लोगों की टीम है, या 1000 लोगों की टीम है, उस 1000 लोगों में उसकी नजर आपके ऊपर आ जाए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, ऐसा परफॉर्म कीजिए। यस, नेगेटिव बात करना तो दूर की बात, सोचिए भी मत। जो पॉजिटिव बात करता है फोन करके, अपलाइन का ध्यान वहां रहता है मेरे दोस्त। अपलाइन को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, अपलाइन को अपनी सक्सेस के लिए 4 से 5 लोग चाहिए, ओनली 4 to 5 people। क्या आप उस 4 से 5 लोगों में हैं अपने अपलाइन की नजर में? ये कोशिश कीजिए आप। यस, हर समय अपना बेस्ट दीजिए और अच्छी तरह से उसके साथ रिलेशन रखिए। नेक्स्ट, नॉलेज टू टेकल प्रोस्पेक्ट एवरी क्वेश्चन। आप जब भी जहां भी किसी भी व्यक्ति से बात करें तो पहले वो नॉलेज लीजिए कि मुझे कहां बात करनी है और कहां बात नहीं करनी, मुझे कैसे बात करनी है और कैसे नहीं करनी, किसके साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी, ये आपको नॉलेज होना पड़ेगा। और उस व्यक्ति से शुरू में 3 से 4 आपको टालने के ऑब्जेक्शन आएंगे, सवाल आएंगे, उसको हैंडल करना आप ठीक से समझ लीजिए। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एक अचीवर्स का काम है, अचीवर्स तो बहुत सारी चीजें आगे जाके सीखेगा, लेकिन ये जो 5 से 6 पॉइंट्स है,
डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये समझना बहुत जरूरी होता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर रियल में वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है और वही डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर जाते हैं, तीसरा पॉइंट जल्दी जल्दी, और वो क्या है, इंप्रूव योर कन्विंसिंग पावर। मेरे दोस्त, ये जो स्किल है ना, इस बिजनेस की जान है, इस बिजनेस की रूट की जड़ है। अगर आपने अच्छी तरह से कन्विंस करना सीख लिया, कन्विंस मीन क्या, कई कई बार आप जानते हैं दोस्तों, एक स्टूडेंट्स को कुछ चाहिए होता है या वो कुछ करना होता है, उसके पास एक प्लानिंग्स होती है, वो अपने मदर और फादर से शेयर करता है प्लानिंग। लेकिन जिस तरह से उसके दिमाग में प्लानिंग है ना, वो एज इट इज अपने फादर या मदर को कन्विंस नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। जैसा है अंदर वैसा का वैसा वो वहां नहीं समझा सकता, इसीलिए उस स्टूडेंट्स की बात उसके मदर और फादर नहीं मानते, बोलते नहीं ऐसा नहीं करना और ऐसे करना। समझ रहे हैं बात? और कुछ लोगों के पास में ऐसा टैलेंट होता है कि उनके दिमाग में जैसी पिक्चर है ना अभी, उससे भी बढ़िया पिक्चर बनाकर वो सामने वालों की खोपड़ी में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि उनको कन्विंस कर देते हैं। यस, ये बहुत बड़ी कला है, इसको सीखने का कोशिश कीजिए। ये कैसे सीखनी पड़ेगी, ये कन्विंसिंग पावर अलग अलग व्यक्ति के ऊपर अलग अलग टाइप से काम करती है। हाँ, हमें बहुत अलग अलग प्रोफेशन के लोग मिलेंगे, और उन सब लोगों का क्या है ना, हमें समझना पड़ेगा कि उनका नीड क्या है। ओके, उनके डाउट्स और क्वेश्चंस को आप कभी नकारना मत, हर क्वेश्चन को हर डाउट्स को आप एग्री करते जाना, उसको बोलने का मौका देना। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही बोल रहे हैं और उसको आप बाद में बोलना है, पहले उसको बोलने दीजिए, वो जब बोलेगा तभी तो आप उसको समझ पाएंगे। तो पहले उसको समझिए आप अच्छी तरह से, जब वो बोल रहा है तो खुशी से पूरा ध्यान लगाकर सुनिए। ऐसा नहीं कि वो जब बोल रहा है तब आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ऐसे नहीं। ऐसे उसे लगेगा ये सामने वाला आदमी मुझे इग्नोर कर रहा है और वो आपको ना पसंद कर देगा, आपकी आपके पास बैठना ही पसंद नहीं करेगा, फिर अपनी बात भी बंद कर देगा वो। और उसकी बात बंद हुई मतलब आप उसको उसकी नीड को, उसकी जरूरत को, उसके सपनों को, उसकी तकलीफ को, उसके क्वालिटी को आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है कन्विंसिंग पावर, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको मैं कन्विंसिंग किस टाइप से करूं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हमेशा उसके साथ में खुशी से बात की, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, कॉन्फिडेंट के साथ आप उसके साथ में प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। और जब आप उससे मिलते हैं पहली बार, ज्यादा से ज्यादा बार अपनी बात करते समय आप उसको नाम लेकर पुकारिए, बार बार नाम लेकर पुकारिए। आप ऐसा नहीं कि हम ज्यादातर आजकल क्या है, फैशन हो गया है, हाँ सर, यस सर, हाँ मैडम, यस मैडम, ऐसे नहीं। आप उनका नाम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम लेकर बात कीजिए। इस तरह से जब आप बात करेंगे उसको बहुत अच्छा लगेगा, और यह हर किसी को लगता अच्छा ही लगता है इस तरह से। तो अपनी कन्विंसिंग पावर को क्या करना है, इंप्रूव करना है। आप चेक कीजिए आपका कन्विंसिंग पावर कैसा है। इसको चेक करने के कई सारे कारण है। आप और आपका दोस्त बैठकर बात करो, सामने कैमरा रख दो, आपका दोस्त है, आपको जैसे पता ही नहीं है कि सामने कैमरा लगा हुआ, आप दोनों आपस में बात कीजिए 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, देखिए आपको पता लगेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा था, मुझे कहाँ क्या कहना था, ये सारी चीज। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, और जो अगला पॉइंट है आज का डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वो है इम्प्रूव योर फिजिकल एंड डिजिटल प्रोफाइल। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। यस, आपको अपनी प्रोफाइल मीन्स क्या, अपना ड्रेस कोड, ये सब जो इस बिजनेस के अंदर में सबसे पहला शोरूम है हमारा, बॉडी का शोरूम, इसको इम्प्रूव करना है। एकदम राजा बन के घर से निकलना है, एकदम दूल्हे बन के घर से निकलना चाहिए इस बिजनेस के अंदर में। यस, आपके हाथ में एक बढ़िया छोटा सा सुंदर बैग हो, भले उस बैग में कुछ ना हो लेकिन वो बैग जरूर होना चाहिए। अगर आप घर से खाली निकलते हैं तो देखने वाले को ये अंदाज कभी नहीं लगता कि आप किसी पर्पज से निकल रहे हैं। उन्हें पता है खाली निकल रहा है, टहलने जा सकता है, घूमने जा सकता है, अपने दोस्तों के साथ में ऐसे ही गप्पे शप्पे मारने जा सकता है। लेकिन अगर आपके हाथ में एक बैग है,
आप घर से निकल रहे हैं, बढ़िया ड्रेस कोड में है, आपको देखने वाले व्यक्ति को लगेगा ये किसी विशेष उद्देश्य से जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो भटके हुए हैं, जो कुछ ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो आपसे आके सामने से भी बात करे कि सर आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है, मैं भी यार कुछ करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सामने से भी आपको कोई क्लाइंट मिल सकता है और ये आपको ड्रेस कोड देखकर वो आएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है ये तो बाद में पता लगेगा, जब बात करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन पहले क्या दिखेगा आपका, पहले आपका ये शोरूम दिखेगा। सो इस शोरूम की प्रोफाइल को बढ़िया बनाइए। और आजकल डिजिटल में और ऑनलाइन में भी बहुत सारे हम सब लोगों की आइडिया बनी हुई है, क्या है वहां इंफॉर्मेशन, अपनी डिजिटल प्रोफाइल को भी आप बढ़िया से सुधारिए, क्योंकि अब बाहर से ज्यादा लोग मोबाइल के अंदर घुस गए हैं, अब सारे लोग आपको मोबाइल में मिलते हैं। तो मोबाइल में भी आप जगह जगह, आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे, आप जहां जहां हो सकते हैं वहां पर रहिए, लेकिन सही तरह से रहिए। आपकी प्रोफाइल देखकर लगना चाहिए कि ये आदमी का कोई उद्देश्य है, ये आदमी बिजनेसमैन है, ऐसे लगना चाहिए। इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को सुधारिए, यहीं से आपकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट जो अगला पावर है, पॉइंट है, वो है चूजिंग राइट पीपल। दोस्तों आपको और हम लोगों को, अगर हम ऐसे अगर लोगों को प्लान देंगे तो प्लान देते देते आप और हम थक जाएंगे, हमारी लाइफें खत्म हो जाएगी और वो रिजल्ट्स कभी नहीं आएगा। हमारा जो एफर्ट लग रहा है उस एफर्ट के मुकाबले हमारा रिजल्ट का रेशियो बहुत जीरो होगा। इसलिए हमें क्या करना है, कुछ सही लोगों को इस बिजनेस में लाना है, यस, और सही लोगों को हमें क्या करना है, चूज करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर जिनको देखकर आप उनको चूज कर सकते हैं। कैसे, आप उसकी नीड को समझिए, ओके, आप उनकी एजुकेशन क्या है उसको देखिए, आप चेक कीजिए कि जो व्यक्ति आपके सामने है उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके दोस्तों से भी आपको अनुमान लगेगा उसके बारे में कि वो एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति है या अनप्रोग्रेसिव व्यक्ति है, उसकी आदतें भी आपको दिखेगी उसके दोस्तों के सर्कल को देखकर। आप चेक कीजिए ये सारी चीजें कि उसके साथ जो लोग हैं, उसके जो सलाहकार हैं, उसके जो एडवाइजर हैं, वो प्रोग्रेसिव लोग हैं या नहीं, आप चेक कीजिए। क्या उन लोगों के पास कुछ कन्विंसिंग पावर है, क्या उनको बात करने का अच्छा स्किल है, अच्छा टैलेंट है, बात अच्छी कर सकते हैं रेस्पेक्टफुली तरीके से, क्या रेस्पेक्टफुली तरीके से सोच सकते हैं, क्या सुन सकते हैं बढ़िया से, क्या उनका अपना कंट्रोल उनके खुद के पास है या किसी और के पास है। एक नाव चलती है उद्देश्य के हिसाब से, इधर से घुसी तो वो सामने किनारे पे निकलेगी, एक नाव अंदर घुसी उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं, वो तो जिधर की हवा आएगी उसकी ओपोजिट दिशा में बहना शुरू कर देगी, इधर की हवा आएगी तो इधर बहना, वो नाव कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हवा तो घूमती रहेगी और वो भी उस समुन्द्र के अंदर घूमता रहेगा, वो अपने किसी लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें ये सब चेक करना होता है, और उनकी गुडविल क्या है, बात करने का तरीका क्या है, ये सब चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो चीज है वो आप ध्यान से देखिए, आपको यहां परफॉर्मिंग की कुछ एक्शन है, आपका कुछ एक्शन प्लान है, और ये एक्शन प्लान हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने किताब में लिख लेना चाहिए, कसम खा लेनी चाहिए कि अगर मैं जिंदा हूं और स्वस्थ हूं तो ये एक्शन अपने आप से वादा करता हूं, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए ये एक्शन मैं हर हाल में कंप्लीट करूंगा, पहले ये पूरा करूंगा उसके बाद में घूमूंगा फिरूंगा या रेस्ट करूंगा, जब तक ये एक्शन नहीं होती मुझे शाम का भोजन लेने का, मुझे कोई ये नहीं, मुझे भोजन लेने का कहने का मतलब मुझे लेना ही नहीं चाहिए भोजन, क्योंकि मैंने इस बॉडी ने अपनी दिन में जो ये एक्शन कर सकता था इसने नहीं की ईमानदारी से। और वो एक्शन आप किसके लिए कर रहे हैं, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के। और अगर आप धोखा दे रहे हैं, अगर आप बहानेबाजी कर रहे हैं, अगर आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त एक बार जरा सोच, किस लिए कर रहा है ये बहानेबाजी, अपने परिवार को धोखा देने के लिए, अपने करियर को धोखा देने के लिए, खुद को धोखा देने के लिए। दोस्त लाइफ बहुत छोटी है और ये एनर्जेटिक लाइफ है ना, ये तो और भी बहुत ज्यादा छोटी है, हमें नहीं पता कब क्या होगा। इसलिए जब तक स्वस्थ है ऊपर वाले का खूब धन्यवाद अदा करो, और
अपना ये जो काम है ये हर हाल में पूरा करो। ये क्या है, स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM, 8 बजे आपको अपना वर्क स्टार्ट करना ही करना चाहिए। ये आपके हाथ में है या नहीं है, मुझे इस बात का जवाब, ये किसी और के हाथ में नहीं है, आपके अपने ही हाथ में। आप चाहो तो 10 बहाने बना लो, आप चाहो तो 1000 बहानों के बावजूद भी आप 8 बजे अपना काम शुरू कर सकते हो। यस, कर सकते हो। जिस दिन हमारी 5 बजे की ट्रेन होती है, हम ना धोके 5 बजे की ट्रेन भी तो पकड़ते हैं, फिर 8 बजे हम घर से क्यों नहीं निकल सकते, अपने उद्देश्य पर ऑनलाइन या ऑफलाइन में वर्क क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। दूसरी चीज, 1 बजे से पहले अपने 5 प्लान डेली पूरे कीजिए। हर दिन, 1 दिन किए वो काम नहीं आएगा, रेगुलर कीजिए। ये उसको सेटअप दीजिए स्टार्टिंग के एक्शन का। ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम है ये करने ही करने हैं। और आप ऊपर से लगान रखिए, उसने किए या नहीं किए, कौन आपकी टीम के अंदर में ये काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, इनको डिफाइंड भी तो कीजिए ना, ताकि हमें भी पता चले कि हम किन लोगों को यहां पर कामयाब बना सकते हैं। चेक कीजिए, काम दीजिए उनको। और मैक्सिमम 20 कॉल, फोन कॉल सही तरह से और प्लानिंग के साथ। एक नंबर दिखा, न सोचा न समझा, दीदा दे लगा दिया कॉल, ये गलत तरीका है। ऐसे किसी को कॉल नहीं करना है, नहीं करना है। किसी व्यक्ति को कॉल करना है आपको, यूट्यूब से और कहीं से भी, सोशल मीडिया से या किसी दोस्त के माध्यम से, या रोड में मिला, या बस में मिला, ट्रेन में मिला कोई व्यक्ति, एकदम से उसको कॉल मत कीजिए। उसको कॉल करने से पहले एक पेपर और पेन लीजिए आप, और आप सोचिए कि मुझे उसके बारे में कहां क्या बात शुरू करनी है। पहले उसकी क्या जरूरत है, वो क्या करता है, उसकी क्या पसंद है, उसकी क्या नापसंद है। आप अगर परफेक्ट प्लान बना लो तो एक कॉल आपका कितना ही बड़ा नेटवर्कर है उसकी नींद उड़ा सकता है। एक कॉल, सिर्फ 5 मिनट का कॉल, लेकिन वो शब्द भी डिफाइन नहीं किए, वो बात भी आपने लिखी नहीं, और सोच समझकर आपने कॉल भी नहीं किया, और अपनी सारी ताकत समेट कर, सारा कॉन्फिडेंट पकड़कर आपने बात ही नहीं की। खाना खाते खाते फोन कर दिया, गाड़ी चलाते चलाते फोन कर दिया, ऐसे वो ताकत नहीं लगेगी जो वहां पर चाहिए उस फोन के अंदर में। दोस्त साहब फॉलो करना हो, चाहे न्यू प्रोस्पेक्टिंग को कॉल करना हो, ये 20 एनर्जेटिक कॉल डेली सोच समझकर प्लान के साथ में कीजिए। आप बहुत शानदार जानदार वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है। डेली डिस्कस कीजिए अपने टारगेट का, अपने टीम को, कि आपको क्या रोज का काम करना है। और मैं आपको बता दूं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जो ये कहता है कि मैं यहां कुछ करने आया हूं, मैं यहां कुछ अर्न करने आया हूं, पार्ट टाइम ही सही, एक बात बोलिए सर, आप अपने जॉब के साथ मिनिमम 2 से 4 प्रोडक्ट मार्वेलो के वीकली किसी भी हालत में सेल करने हैं, इतना सा काम बोलिए, इतना सा मिनिमम 2 बोतल वीक में सेल होनी ही चाहिए, और अगर 4 करते हैं तो गुड, बहुत अच्छी बात है। आप सोच के देखिए, ये रोज की एक्टिविटी नहीं है, ये हफ्ते की एक्टिविटी है। क्या कोई ज्यादा टारगेट है, 2 बोतल्स 7 दिन में, एकदम नॉर्मल बात है। इतना सा काम एक डिस्ट्रीब्यूटर को हर हाल में करना ही चाहिए, और ये करने से आपको पता है कि कुछ इनकम्स भी आती है। अगर उस व्यक्ति ने 2 बोतल भी सेल करी तो 1500 रुपया हर हफ्ता कमा रहा है। 1500 का मतलब क्या होता है, महीने का अपने जॉब के साथ 6000 रुपये कमा रहा है, यानी कि आज की तारीख में वो एक छोटी कार अगर ले ले तो 6000 रुपये की उसकी किस्त एवरी मंथ, ये 2 बोतल और 4 बोतल सेल करके वो उसकी किस्त चुका सकता है। यानी कि सालों से, पीढ़ियों से जो बाइक पे चल रहा था, वो व्यक्ति इस बिजनेस में आके पहले दिन से एक छोटी कार की EMI भरने की ताकत यहां से पैदा कर सकता है। ये कोई कम बात नहीं है सर,
हाँ, इसलिए छोटी सी एक्शन रेगुलर करवाइए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये चेक कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा आज का पॉइंट है नंबर 7, चूज योर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत सारे लोग जो ये काम नहीं करते, उनकी टीम में उनको बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, जो याद आ गया वो उसको फोन कर देते हैं, उनके पास अपना कोई टारगेट नहीं, उनके पास अपने कोई चूज किए हुए एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में एग्जीक्यूटिव हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो अब तक हमने लक्षण बताए वो सारे लक्षण है, कमिटेड है, समय पर मीटिंग में आता है, उसे मीटिंग का याद दिलाना नहीं पड़ता, उसे मालूम है कि सैटरडे के दिन 8 बजे हमारा प्रोग्राम जूम पे चालू होगा। इस तरह से वो मिनिमम 5 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है आपको मालूम होने चाहिए, और आप चाहते हैं और भी ज्यादा प्रोग्रेस हो तो आप अपनी टीम के वो 6 लोगों के नाम मुझे दीजिए, मुझे दीजिए आप अपने 6 लोगों के नाम के, सर ये मेरे 6 लोग हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी तो मैं पूरा उन्हीं के जरिए तो करने वाला हूं। वो 6 लोग आपको भी अगर पता नहीं है तो मेरे को कैसे पता चलेगा। इसलिए पहले आप डिफाइन कीजिए आपके वो 6 लोग कौन, और अगर आपके पास 6 नहीं 2 है तो बाकी के 4 लेके आइए सर। यस, ये भीड़ का काम नहीं है, ये उन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों का काम है। ये 5 से 6 लोग आपको यहां पर आपके लाइफ के अंदर में जो जो आपको चाहिए वो सब दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। यस, ये एक बहुत ही बड़ी बात है और मेरी फेवरेट लाइन है, क्या है, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपकी टीम के अंदर कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, किसी के ऊपर ब्लेम मत दीजिए कि उसने ऐसा किया वो ऐसा, आप सीधा सीधा बोलिए कि कहीं ना कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मेरी गलती। इस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो अपने बिजनेस को लेकर, कोई भी एक्टिविटी हो, आपकी टीम में जो भी समस्याएं चल रही है हो सकता है वो आप ठीक से नहीं, आपको पता चल गया ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे पास कीजिए अपने अपलाइन को, आप अपने अपलाइन को बाढ़ आने से पहले अवगत करा दीजिए कि बाढ़ आने वाली है, कुछ फायदा होने वाला है तो भी पहले बता दीजिए, और कुछ अगर कहीं नुकसान भी होने वाला है तो भी आप उसको पहले बताइए, क्योंकि वो उसे रोक सकता है, हाँ उसे ठीक कर सकता है। होने के बाद जरा ये काम 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी वो संभालने की कोशिश करेगा, फिर तो उसे अपने आप पता चलेगा, बाई फॉल्ट पता चलेगा आपके अपलाइन को कि आपकी टीम में ऐसा हुआ है। होने से पहले बताइए क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है। देखो, ऐसा कोई काम नहीं जिसे ठीक ना किया जा सके, ऐसी कोई नाराजगी नहीं जिसको मिटाया ना जा सके, सब कुछ हो सकता है लेकिन पता तो चले जब ना। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए टीम की और अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, अपनी अपनी जगह सब अगर अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे दोस्तों, आप और हम 2022 के अंदर में एक ऐसा काम कर सकते हैं जो अभी तक इस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हुआ। यस, नेक्स्ट और अगला जो पॉइंट है आज का वो है ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, बी कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड टुवर्ड योर बिजनेस। दोस्तों, ये उन लोगों का बिजनेस है जो एक्साइटेड रहते हैं, ये उन लोगों का बिजनेस है जिनको खुद पे अथाह विश्वास है, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंट, ये उन लोगों का बिजनेस है। आपके अंदर अगर कोई कमी है, अविश्वास है, तो पहले उस अविश्वास को विश्वास में बदलिए। जब तक पूरा नहीं बदल सकते तब तक फील्ड में जाना या किसी से मिलना अपना टाइम वेस्ट है, अपनी लिस्ट को खराब करना है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मत जाइए। क्या करोगे जाकर, चेहरे के 12 बजे हुए हैं, फ्री की खुशी हम चेहरे पे ला नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर फालतू के थॉट्स आ रहे हैं उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं अपनी समझ से,
क्यों जाना है फिर बाहर, पेट्रोल खराब करना है? इससे अच्छा तो घर में बीवी बच्चों के साथ बैठ कर अच्छा बढ़िया टाइम निकालिए ना, कुछ और पढ़िए ना, थोड़ा और सीखिए ना, क्यों जाना है? ये चीज है। सो हमेशा एक्साइटेड रहे अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, और सारी एक्टिविटीज खुश होके कीजिए। दोस्तों एक बात बोलूंगा यहां पर, इस बिजनेस में हम और आप सब लोग आए, हमारा पहला उद्देश्य क्या है? पैसा अर्न करना, बराबर। क्या ये वास्तव में पूरा करना चाहते हैं ये उद्देश्य? तो क्या करना पड़ेगा? अगर वास्तव में ये पैसा कमाने के उद्देश्य को पूरा करना है, तो एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या आपको इस काम को करने में मजा आ रहा है? अगर आपको इस काम को करने में मजा आना शुरू हो गया ना, आनंद आना शुरू हो गया ना, पैसा फिर ऑटोमेटिक आएगा। ऐसे कई सारे काम हैं जो हम और आप सब लोग और हमारे आसपास के हमारे यार दोस्त करते हैं, उस काम को कुछ नहीं मिलता, उस काम से कोई पैसा नहीं आता, फिर भी करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं। क्या करते हैं? कईयों को क्रिकेट देखने का कितना इंटरेस्ट होता है, क्या मिलता है उसको? वो रह रहे के बाहर जाके देखता है, अरे भाई अरे कितनी बॉले हुई, कितना स्कोर हुआ, ऐसे बात पूछता है ना, क्यों? कुछ मिलता है उसको? नहीं। और 20-20 साल से लगा हुआ है, एक छवन्नी नहीं कमाई उसने, इसके लिए कई जगह वो लड़ा है, लड़ाई भी कर ली इसने, कई जगह शर्त लगा दी, कई जगह दो दो घंटे चार चार घंटे बेस कर ली, वो चार छह घंटे अपने लाइफ के खराब कर दिए उसने कहीं ना कहीं। क्यों? उसको वो काम करने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। जहां इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, वहां पैसा मिले या नहीं मिले कोई मायना नहीं है। दोस्त इस काम को करना चाहते हो, इस काम के साथ घुल जाओ पूरा अच्छी तरह से, इस काम में मजा आना चाहिए। लोग मना कर रहे हैं आपको, मजा आना चाहिए आपको। मुस्कुराइए मंद मंद कि मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे बिजनेस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, किसी को फोन करने में उसकी मारा मारी, वो जो वहां सामने से जो क्वेश्चन अपने को डालने वाला है उसको हैंडल करने में आपको मजा आना चाहिए। आपके दिमाग की कसरत बना लो। इस सारी एक्टिविटीज में जो जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, उन सारी दिक्कतों को अपने आनंद में कन्वर्ट कर लो। इतना पैसा आएगा ना दोस्त, संभाल नहीं पाएंगे। ये है बात। सो नेक्स्ट, यस, ये एक और बात है। ये उन लोगों के लिए है जो एक अच्छे लेवल पर आ गए हैं, जो डायरेक्टर हो गए हैं, जो रूबी हो गए हैं, जो एमरल्ड हो गए हैं, डायरेक्टर एंड अबव लोगों के लिए एक बात है कि चूज योर कोर लीडर्स। दोस्तों आप अपने टीम से उन 5-6 लोगों को चूज कीजिए जो हर जगह आपके साथ खड़े रहे। यस, हर जगह आपके साथ खड़े रहे, ऐसा उनके साथ रिलेशन बनाइए। वो कोई भी हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आप रूबी हैं, अगर आप एमरल्ड हैं, और अगर आपके पास 5-6 लोगों की आपकी कोर टीम नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं, आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप रूबी नहीं हैं, और आप एमरल्ड नहीं। ये 4-5 लोग आप चूज कीजिए कौन है। हर हाल में अपने साथ खड़ा रखिए, हर हाल में उनके लिए जो भी करना पड़े आप कीजिए, लेकिन उनसे वादा लीजिए कि आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आंधी आए शायद तूफान, सुबह 4 उठना पड़े या रात को 1 की बात हो, आप लोग तैयार हो क्या? मैं वादा करता हूं आप लोगों को कि हम और आप सब लोग मिलकर इस बिजनेस के अंदर में आने वाले 1000 दिन के अंदर हम दांव पर आएंगे।